और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, छपरा से आरोपी मुखिया पति के घर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय यादव के घर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी इस वक्त वहां पर है। ये बड़ी खबर मिल रही है छपरा से, आरोपी मुखिया पति के घर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसपी के नेतृत्व में ये कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि विजय यादव के घर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर छपरा से मिल रही है। आरोपी मुखिया पति के घर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी के नेतृत्व में फिलहाल कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। विजय यादव के घर प्रशासन की ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इश्तेहार पहले चिपकाया गया था कार्रवाई को लेकर, और भारी संख्या में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता विपिन मिश्रा, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए आरोपी मुखिया पति के घर कुर्की की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट और ज्यादा जानकारी फिलहाल? जी, आपको बता दें कि इस जो तीन युवकों की पिटाई के मामले में एक युवक की जो मौत हुई थी और दो युवक जो संदिग्ध जो जख्मी हालात में गंभीर अवस्था में पटना में इलाजरत है, इस घटना के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसके बाद अज्ञानी हुई थी। तो इस हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा 5 गिरफ्तारियां की गई थी, जबकि अभी भी जो मुख्य आरोपी है और अन्य 4 जो आरोपी है उनके द्वारा फरार रहने की स्थिति में प्रशासन के द्वारा कल नोटिस छपाया गया था, उसके साथ ही आज कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विपिन, देखिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो मुख्य आरोपी है, जो मुखिया पति है, वो कब तक गिरफ्तार हो पाएगा और आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी, इसकी कोई जानकारी? जी नहीं, इस मामले में जो एसपी डॉक्टर गौरव मंगला है वो यहाँ पे तैनात मौजूद है और उन्होंने बताया कि जो 4 मुख्य अभियुक्त हैं, जो मुख्य अभियुक्त विजय यादव है मुखिया पति और उनके साथ जो अन्य 4 अभियुक्त हैं उनके घरों की आज कुर्की कर ली जाएगी और उसके बाद जो अन्य मामले उसमें कार्रवाई जो है वो तेजी कर दी जाएगी। जी जी जी, ठीक है विपिन, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।